जी हाँ दोस्तों, भारतीय टीम के धाकड़ ओपनर बल्लेबाज शिखर धवन और मिडिल ऑर्डर संभालने वाले विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत से जुड़ी एक बुरी खबर सामने आई। आप सभी को बता दें कि भारतीय टीम को एक दो नहीं बल्कि एक दर्जन से अधिक नामचीन क्रिकेट खिलाड़ी देने वाले कोच तारक सिन्हा, जिनकी आप तस्वीरें देख सकते हैं, उनका निधन हो गया है। वो लंबे वक्त से कैंसर से जूझ रहे थे। वो जिंदगी की आखिरी सांस तक सिर्फ क्रिकेट के बारे में ही सोचते रहे, तो ये जताता है कि क्रिकेट के लिए अपने आप को किस तरीके से समर्पित कर रखा था। इसीलिए ऋषभ पंत, शिखर धवन और आशीष नेहरा जैसे भारतीय क्रिकेट के सितारे खिलाड़ियों को तराशने वाले तारक सिन्हा ने कभी शादी नहीं की। उनका पहला और आखिरी प्यार क्रिकेट रहा। वो अपने पीछे इंटरनेशनल और घरेलू क्रिकेट में परचम बुलंद करने वाले शिष्यों की लंबी फौज छोड़कर चले गए हैं, जो आज पूरे विश्व में नाम कमा रहे हैं। वो दिल्ली के सोनेट क्रिकेट क्लब चलाते थे। इसमें क्रिकेट का केकहारा सीखने वाले स्टार से लेकर युवा खिलाड़ी तक के लिए वो उस्ताद जी थे। जिस तरह मुंबई क्रिकेट में रमाकांत आचरेकर की पहचान एक कोच के तौर पर थी, ठीक वैसा ही रुतबा तारक सिन्हा का दिल्ली में था। इनके निधन के बाद दोस्तों भारतीय टीम के ये खिलाड़ियों को बड़ा झटका लगा है, क्योंकि मुश्किल घड़ी में जरूर उनके पास फोन कॉल्स जाता था कि गुरुजी अब क्या करें, तो गुरुजी अपने एक्सपीरियंस से इनको राय देते थे। तारक के तराशे क्रिकेट खिलाड़ियों ने ना सिर्फ घरेलू बल्कि इंटरनेशनल क्रिकेट में भी पहचान बुलंदियों पर पहुंचाई। अब आप नाम गिनते थक जाएंगे, लेकिन खिलाड़ियों की फहरिस्त कम नहीं होगी। उन्होंने करीब 5 दशक जमीनी स्तर पर क्रिकेट खिलाड़ियों को तैयार करने का काम किया। शुरुआती दौर में उन्होंने दिल्ली क्रिकेट के दिग्गज खिलाड़ियों में शुमार रहे सुरेंद्र खन्ना, मनोज प्रभाकर, रमन लांबा, अजय शर्मा, अतुल वासन और संजीव शर्मा जैसे खिलाड़ियों को तराशा, जो भारत के लिए भी खेले। वहीं 1980 से 1990 के दशक में घरेलू क्रिकेट के दिग्गज बल्लेबाजों में शामिल केपी भास्कर भी थे। अब आपको बता दें, 1990 के दशक के बाद का समय था जब उन्होंने भारतीय क्रिकेट टीम को कई शानदार खिलाड़ी दिए। इसमें आकाश चोपड़ा, महिला क्रिकेट टीम की पूर्व कप्तान अंजुम चोपड़ा, ऑलराउंडर रुमेली धर के साथ तेज गेंदबाज आशीष नेहरा, शिखर धवन जैसे कई दिग्गज खिलाड़ी शामिल हैं। इसके बाद उनकी अकेडमी में ऋषभ पंत भी निकले थे, जिसने बेहद कम उम्र में अपनी बेखौफ बल्लेबाजी के दम पर इंटरनेशनल क्रिकेट में अलग पहचान बनाई। हालांकि खेल की गहराई, उसकी बारीकी को समझना और खिलाड़ियों को तराशने का बेहतरीन हुनर होने के बावजूद भी बीसीसीआई ने कभी तारक सिन्हा को बेहतर इस्तेमाल नहीं किया। उन्हें एक बार महिला क्रिकेट टीम का कोच बनाया गया था, तब उन्होंने मिताली राज, झूलन गोस्वामी जैसे खिलाड़ियों के साथ काम किया था, जो आज बुलंदियों पर हैं। अब पंत से था कोच तारक सिन्हा का खास रिश्ता, क्योंकि पंत दोस्तों उनके ट्रेनिंग सेंटर में जब गए थे जब वो एकदम कच्ची उम्र में थे, जहाँ से उनको बहुत कुछ सीखना बाकी था। दिल्ली अपनी माँ के साथ ट्रेनिंग के लिए आते थे, उसी दौरान तारक ने अपने असिस्टेंट से ऋषभ पंत के खेल पर नज़र रखने के लिए कहा था। पंत का टैलेंट दोस्तों पूरी दुनिया अब देखती है। तारक सिन्हा ने क्रिकेट के कारण कभी शादी नहीं की, ऐसा कहा जाता है। इसलिए स्कूल कॉलेज की परीक्षा के वक्त अगर कोई स्टूडेंट क्रिकेट कोचिंग के लिए आता था तो जो उसे वापस भेज देते थे और पेपर खत्म होने के बाद दोबारा आने को कहते थे, क्योंकि उन्हें पता था कि हर बच्चा धवन, पंत या आशीष नेहरा बन सकता है, बस जरूरत है तो तराशने की। तो मतलब कह सकते हैं क्रिकेट दुनिया को एक बड़ा झटका लगा है, और अगर ऋषभ पंत, शिखर धवन, आशीष नेहरा जैसे खिलाड़ी मिले तो सचमुच ये बहुत बड़ी बात है। और आने वाले समय दोस्तों कई और खिलाड़ियों को ये देकर गए हैं, वो भी तैयारियों में जुटे हुए हैं। देखते हैं दोस्तों इनकी मेहनत तो रंग लाई। मतलब एक गुरु को ज्यादा क्या ही चाहिए कि उनका शिष्य पूरी दुनिया में उनका नाम कमा रहा है और आज हर चर्चाओं का विषय बने हुए हैं तारक सिन्हा। नेक्स्ट 9 स्पोर्ट्स की रिपोर्ट।